भारत खेती और सिंचाई की सबसे प्राचीन भूमि। सुजलाम सुफलाम इस धरती पर 10,000 वर्ष पहले 20 प्रकार के धन धान्य की खेती होती थी। सभ्यता के इतिहास में ऋतुओं के ज्ञान के साथ खेती का ज्ञान सिद्ध करने में भारतीय लोग सबसे पहले थे। लोकशाही की जन्मभूमि थी भारत। यहां गणतंत्र स्वराज्य का आरंभ हुआ था वैदिक समय में। वैदिक जनपदों में हजारों वर्ष पहले भी चुनाव होते थे। प्राचीन भारत में भिन्न रंगों की लकड़ी से मतदान होते थे और अंत में मध्यस्थी विजेता को घोषित करते थे। और अंतरिक्ष विज्ञान की पहली किरण निकली थी भारत से। विश्व के कई देश अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे, तब भारतीय ऋषि सूर्य और चंद्र की उस पार नक्षत्रों को नाप रहे थे। सूर्य और चंद्र की गति, पृथ्वी का व्यास, ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण आदि कई खोज भारत की देन है और विश्व का सर्वप्रथम कैलेंडर भी भारत ने दिया था। गणित और अंक शास्त्र का उद्भव हुआ था भारत में। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि शून्य और 1 से 9 तक सभी अंकों की खोज भारतीयों ने की है। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, वो भी भारत की देन है। शायद विश्व की यह सबसे बड़ी खोज है जिसके बिना न कंप्यूटर होते और न इतना विकसित विश्व। विश्व के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण तथा महाभारत। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि के ये अमर प्रदान हैं, जिसके अमर संदेश आज भी घर घर में पवित्र प्रेरणाएं दे रहे हैं। और अब स्वास्थ्य का क्षेत्र। भारतीय आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीन आरोग्य विज्ञान है। कई महान विज्ञानियों का प्रदान दिया है आयुर्वेद ने। महर्षि चरक विश्व के सर्वप्रथम फिजिशियन थे, जिन्हें 1,00,000 औषधियों का ज्ञान था। और महर्षि सुश्रुत विश्व के सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जन थे, जिन्होंने 2,600 वर्ष पहले 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं में कौशल्य पाया था। इस देश में
ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी। आरोग्य के क्षेत्र में विज्ञान परिषदें भी आयोजित होती थी हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के समय में। भारत ने शिक्षा की सबसे पहली ईंट रखी थी इस धरती पर। आज से 10,000 वर्ष पहले यानी वैदिक गुरुकुलों के समय में तो विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का जन्म भी यही हुआ था। तक्षशिला विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी जहां भारत एवं कई देशों के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां अर्थनीति, राजनीति, शस्त्र विद्या आदि 64 विद्याएं पढ़ाई जाती थी 2,500 वर्ष पहले। और योग समस्त मानव जाति के लिए हमारे देश का एक अमूल्य उपहार। योग एक प्राचीन जीवन विज्ञान 2,500 वर्ष पुराना जो शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ बनाता है, शांति देता है। न केवल भौतिक विद्याएं किंतु गहन चिंतन, दर्शन और उन्नत भावनाओं की यह भूमि है जिससे समस्त मानव जाति का उत्कर्ष हो सकता है। जैसे कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है।